नमस्ते, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं thelallantop.com। महेंद्र सिंह धोनी की बहुत चर्चा होती है, उनकी कप्तानी के कसीदे पढ़े जाते हैं, उन्हें सबसे कूल कप्तान कहा जाता है। मगर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में जब धोनी डगआउट से उठकर मैदान के बीच चले गए, एम्पायरों से भिड़ने पहुंच गए, तो धोनी की इस कूल इमेज को झटका लगा है। धोनी का इस तरह का नियमों के खिलाफ जाकर अंपायरों से बहस करना किसी को सही नहीं लग रहा है। कोई कह रहा है कि ये सही है, मगर ज़्यादातर लोग इसे खराब कह रहे हैं। क्रिकेट के जानकारों की राय भी इस पर बंटी हुई है। धोनी को कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 50% जुर्माने के तौर पर देने का फैसला दिया गया है। उन्हें आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.20 के लेवल 2 का दोषी माना गया है। इसके तहत मैच फीस का 50% से 100% जुर्माने के तौर पर और इसके साथ साथ 2 मैचों का बैन भी हो सकता है। अब इस पर जो तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनमें सबसे पहले है पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने कहा है कि धोनी पर मैच फीस का जो 50% जुर्माना लगाया गया है वो एक मजाक की तरह है। बेदी ने 2 ट्वीट किए हैं और कहा है कि क्रिकेट का इतना बुरा चेहरा कभी नहीं देखा, गेम से बड़ा कोई नहीं हो सकता, यानी लार्जर देन लाइफ जो किसी प्लेयर की इमेज हो जाती है वो सही नहीं है। स्थापित खिलाड़ियों को हमेशा अनुशासन का उदाहरण बनकर पेश होना चाहिए, जो धोनी नहीं हुए। वहीं राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोश बटलर ने कहा कि शायद धोनी का इस तरह मैदान में दाखिल होना सही नहीं था। उस वक्त काफ़ी टेंशन का माहौल था और हर रन बेशकीमती साबित हो रहा था, हार और जीत तय कर रहा था, मगर कुछ भी हो मैदान में दाखिल होना सही नहीं हो सकता। वहीं चेन्नई के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि धोनी इसलिए मैदान पर चले गए क्योंकि वो नो बॉल दिए जाने पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। जो भी हो, क्रिकेट नियमों के हिसाब से अंपायर नो बॉल के निर्णय को करेक्ट कर सकते हैं, जो फील्ड अंपायर होते हैं। जैसे फील्ड अंपायर ने इसे नो बॉल दिया तो लेग अंपायर ने इसे नो बॉल नहीं दिया, इसके लिए थर्ड अंपायर की मदद नहीं ली जा सकती है। जब इसमें कोई आउट होता है तभी थर्ड अंपायर को रेफर किया जा सकता है। हमेशा धोनी के पीछे चलने वाली जनता को इस बार धोनी ने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, उनको लग रहा है ऐसा। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि धोनी पर नाम भर के लिए फाइन किया गया है, उन पर मैच बैन भी होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। धोनी का इस तरह मैदान में जाकर अंपायरों से बहस करना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि आईपीएल में फ्रेंचाइजी का कितना प्रेशर है, हर हाल में जीतना है, इसी के चक्कर में खिलाड़ी यहाँ जी जान लगाते दिखते हैं। मगर क्रिकेट के नियमों और अंपायर के निर्णयों पर एक लिमिट के बाहर जाकर रिएक्ट करना सही नहीं है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि बड़े बड़े क्रिकेटर जो क्रिकेट के जानकार हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जैसे आकाश चोपड़ा हैं, अरुण वेणुगोपाल हैं, ये जर्नलिस्ट भी हैं, सिद्धार्थ विद्यनाथन हैं, बोरिया मजुमदार हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, माइकल वॉन फॉर्मर क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, हेमंग बदानी हैं, रौनक कपूर, इन सभी ने धोनी के इस जो रिएक्शन है इसको थोड़ा गलत बताया और लिमिट से बाहर जाने का बताया। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आप धोनी के इस एक्ट को पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए पहुंचिए thelallantop.com। शुक्रिया।